मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम। आप सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी रामनवमी, रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आदि पुरुष का नया पोस्टर निकल के आया है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, सुबह 7:11 पे आया था। और हम हमेशा की तरह इतनी जल्दी, बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी नींद खुलती होगी, हालांकि कहने को रामनवमी है। तो अभी मैं जस्ट उठा और अभी मैंने वो पोस्टर देखा, अभी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे निकलना है, मेरे भोला का शो है, भोला भी मुझे देखना है। मैदान का भी टीजर आ रहा है, मुझे पता चला कि मैदान का भी टीजर आ रहा है, दशहरा भी आज है, तो एक ना एक चीज़ तो मिस होगी मेरे ख्याल से। दशहरा मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं देखने के लिए, भोला देखने जरूर से मैं जा रहा हूँ। तो एक क्विक रिएक्शन करते हैं, एक जो नया पोस्टर निकल के आया है। अब देखो, जब इसका टीजर आया था, जब पहला पोस्टर आया था, हाँ पोस्टर मुझे अच्छा नहीं लगा था, जो पहले वाला आया था, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, पहला वाला मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन टीजर कहीं ना कहीं मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि प्रभु श्री राम के ऊपर कहानी है, ठीक है। अब बहुत सारी डिबेट उस पर हुई थी, अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा भी कुछ भी दे रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, वो चलना ही चलना है। लेकिन वहाँ फिर भी बहुत चीज़ें सही लग रही थी टीज़र में, लेकिन लोगों को पता नहीं, लोगों ने दिमाग लगाया, VFX CGI वगैरह वगैरह, जो हॉलीवुड के चाटू गा रहे हैं, हॉलीवुड के चमचे हैं, उन्होंने हॉलीवुड से कंपेयर किया, ये वो फलां, ये नहीं देखा कि प्रभु श्री राम की गाथा होने वाली है तो वो वैसे ही चलने वाली है। तो इन्होंने फिर समय लिया, फिर दोबारा से अब ये फिर से आ रहे हैं कुछ चीज़ें सही करके, कुछ चीज़ों में सुधार करके। तो यार मुझे तो सुधार दिखा नहीं कहीं पर भी। राम भगवान का वही लुक, लक्ष्मण जी का वही लुक, हनुमान जी का वही लुक, थोड़ा सीता मैया मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगी हैं अगर देखा जाए, उसमें जो खड़ी हैं बाकायदा वो मुझे बड़ी ही प्यारी लगी हैं। और ओवरऑल पूरा पोस्टर मैंने कम से कम 10 से 12 बार देख लिया, कहीं पे मुझे चेंज नहीं लगा। फिर उन्होंने समय इतना क्यों लिया था, फिर ये सब दिखावा क्यों किया था कि नहीं हम बाकी चीज़ें अच्छी करके दोबारा आपके सामने लाएंगे, ना लुक में चेंज। एक जो तेज होता है ना, सब लोग इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक जो भगवान श्री राम का एक जो तेज होता है, एक जो उनके चेहरे की एक जो छवि होती है कि हाँ इंसान लगे, जो हमने अरुण गोविल में देखी है, जो हमने गुरमीत चौधरी में देखी है, और जिन्होंने भी कुछ जाने माने नाम है जिन्होंने भगवान श्री राम का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। हाल फिलहाल में पिछले साल हमने RRR में रामचरण को भी देखा था, वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा अभी तक का बोलूँगा मैं भगवान श्री राम के किरदार में, वो कहीं भी मुझे प्रभास पर दिख नहीं रहा। और ऐसा है नहीं कि दिख नहीं सकता था, अगर ढंग से उसको किया जाता तो प्रभास बहुत अच्छे श्री राम बन सकते थे, लेकिन वो चीज़ मुझे कहीं नहीं, ना हनुमान जी में वो मुझे बाई आ रही है, और लक्ष्मण जी में भी, लक्ष्मण जी के अंदर एक अग्रेशन था, एक गुस्सा था, सब लोगों को बताया थे कि वो कितने सनकी टाइप के हुआ करते थे, वो चीज़ सनी सिंह में देख के नहीं दिख रही है। हाँ सीता मैया जरूर से थोड़ी जैसी थी वैसी लग रही हैं, ओवरऑल मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आया। तो ठीक ठीक मुझे पोस्टर लगा है, अब बाकी इसके टीजर गाने वाने का इंतजार है, देखते हैं उसमें इन्होंने क्या छिड़खाने की है। और मेन चीज़ तो ये है कि रावण को देखना दिलचस्प होगा कि रावण के साथ इन्होंने क्या किया, रावण को इन्होंने सुधारा है कि नहीं सुधारा है, या वो छपरी स्टाइल, जब यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया तो रावण भी छपरी होगा मुझे ऐसा लग रहा है, जो सैफ अली खान का लुक था जिसपे इतना विवाद हुआ था उसका भी वही होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज, और एडिटर ने वो स्टेटमेंट दिया था कि हम ज़्यादा कुछ चेंजेस करने वाले हैं नहीं, VFX और CGI पे हमने थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी तो फिर देखते हैं क्या फ्यूचर है आदि पुरुष का, मुझे तो यहाँ से कुछ भी फ्यूचर अब आदि पुरुष का नहीं दिखता है। जो पहले हाइप थी मेरे ख्याल से अब वो नहीं होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या थिंकिंग है, हमें लिखकर जरूर बताएं। और इसी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।